भाग्य लिया मौका है। हर तीर्थंकर में एक एक श्रोता होता है। और मुख्य श्रोता कैसा भी हो, या तो वर्तमान में संभलता है और कहीं आयु का बंद कर लेता है तो आगामी भाव में तीर्थंकर जैसा ही काम होता। राजा श्रेयांश था, आदिनाथ के पास दीक्षित होकर के मोक्ष चला गया। और महावीर स्वामी का राजा श्रेणिक था, पहले नरक आयु का बंद हो भी गया तो आगामी समय में वही तीर्थंकर बनेगा पहला। श्रोता आप भी हैं और श्रोता ये भी है, लेकिन मुख्यता अलग हो जाती है। मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका हर में होते हैं। मुनियों में भी मुख्य होता कोई ना कोई, आरिका में भी, श्रावक में भी और श्राविका में। जो श्रावक में होता वो मुख्य श्रोता होता है, क्योंकि श्रोता शब्द से ही श्रावक बना है। तो एक पूजन करते हुए आप सभी इंद्र बन करके आराधना करिए। आराधना के साथ आप सभी लोग आनंद के साथ चले, वो पूजा का रूप था। क्योंकि तीन योग होते हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। भक्ति योग में आप खोए हुए हैं, अब ज्ञान योग प्रारंभ होगा और जो अपने आचरण में उतर गया वही तुम्हारा कर्म योग। इसके पहले ये भी ज्यादा अपने आते थे, ना जानते थे ना पहचानते थे। रोहतक में जब ऐसे ही चले गए जैसे यहाँ आ गया, रोहतक वाले बैठे सबको मालूम है। और जब जिनवाणी माँ के श्रोता बनने की बात चली तो मैदान दरवाजा खुल गया, जैसे आपके यहाँ सौधर मंदिर बनने के लिए खुला। जरा से दो विधान नमित कुमार जी आ गए और 1.5 लाख तक पहुँच गए, पहुँच गए। नहीं तो आप जिनवाणी जरा से विधान में आप ढूंढे ढूंढे जाओ पसीना आ जाएगा। लेकिन उसके मन में बिल्कुल भाव था छुपा हुआ, महाराज बस कर दो बाकी तो सब होगा। एक ही व्यक्ति पूरा काम कराने को तैयार था, सब आनंद से चल रहा, चुपचाप साइलेंट होके चल। तो ये होता है, भाग्य होता है किसी का। और भाग्य के लिए आदमी को कितना श्रोता के रूप में प्रदीप कुमार जी और सलोचना। और उस समय से जो परिवर्तन हुआ, आज 18 साल में एक समाज में रोहतक के बाद दिल्ली में भी अपना अस्तित्व पूरा का पूरा बना के रखा है। मन से उदार परिवार है, अच्छा परिवार है, क्योंकि हमारे सारे कार्यों से जुड़े हुए हैं। इतना बड़ा जीवन आशा का भी हॉस्पिटल जो बन रहा है, उसमें भी जो मंदिर का निर्माण कर रहे हैं उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा साथ है। बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए भी जिनको बुला रहे हैं और यूँ सारे कार्यों में सम्मिलित रहते हैं, बिल्कुल शांत। आपको कोई भी ऐसे दिखेंगे नहीं हमारे पास, कोई चकने वाला कोई भी नहीं मेरे पास, हर चीज़ में मान सम्मान और लड़ने वाला, लेकिन भीतर से सब भरे हुए लोग। इतने भरे हुए जिनके बारे में आपको पता लगेगा तो आप सोच भी नहीं सकोगे, जिनको आप यूँ देख करके पहचान भी नहीं सकोगे कि ऐसे ऐसे लोग हैं। तन से भी, मन से भी, धन से भी, जीवन से भी समर्पित लोग, और साइलेंट और स्वाभाविक रूप से साइलेंट। नीचे नदी का जल बहता रहता, स्रोत अपने आप फूल में बस खुशबू भरती चली जाती है। और कभी मौका आता, हवा आती है, उसके सुगंध का पता सबको लग जाता है, मौके पे लगता है। आज अपन सखंड आगम की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए बिल्कुल शांत होकर के बैठेंगे, क्योंकि समय तो वैसे 9:30 बज गए। मैं तो सोचा था कि 9 बजे तक पूरा हो जाएगा, लेकिन फिर भी हो गया, लेकिन फिर भी चलेंगे सखंड आगम। अभी तो नाम बोलने में ही आपको लगेगा, सख माने 6, सतखंड आगम, जिसके अपन वाचना करने के पहले हाथ जोड़ लीजिए, वंदना करें, फिर अपनी बात करें। अत नमोस्तो श्रुत पंचमी पावन वेलायाम श्रीमद सिद्ध भक्ति का सर्वम करोमि, 9 बार नमोकार पढ़िए।
ಸಮ್ಮುಕ್ತನಾಯ ದಂಶನ ಬೀರಿ ಸುಮಂತಯ್ಯ ಅವಗರಣ ಮಗುರುಳಮಪ್ಪ ವಾಹಮಟ್ಟೋಣಂತಿ ಸಿದ್ಧಾನಂ ತವ ಸಿದ್ಧೇನ ಸಿದ್ಧೆ ಸಂಯಂ ಸಿದ್ಧೆ ಚಾರಿ ಸಿದ್ಧೆಯ ನಾನಂ ಇದಂ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಸಾಮಸ್ವಾಮಿ ಇಚ್ಛಾನಂತೆ ಸಿದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಕೌಶಕ ಕೌತ ಸಲೋಚ ಸಂನಾಳ ಸಂದರ್ಶನ ಸಂಕೀರ್ತನ ಮಟ್ಟಿ ವಿಕಮ ವಿಪಮ ಖಾಣ ಮಟ್ಟು ಸಂಪನ್ನಾನ ಮಡ್ಡಲ ಮೇತೇನ್ ಪೆಚ್ಚಣ ತವ ಸಿದ್ಧಾನಂ ನೈ ಸಿದ್ಧಾನಂ ಸಂಯಂ ಸಿದ್ಧಾನಂ ತರಿ ಸಿದ್ಧಾನಂ ಅತೀದಾನ ಗದ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲತ್ತೆ ಸಿದ್ಧಾನಂ ಸಬ್ ಸಿದ್ಧಾನಂ ಸರಣಿಂಚ ಕಾಲಂ ಅಂಚೇಮಿ ಪಂಚಮಿ ಪಾವನ್ ವೇಲಾಯಾಂ ಶ್ರೀಮಸ್ತೃತ ಭಕ್ತಿ ಕಾವಸರ್ಗಂ ಕರೋಮ್ಯಂ ಶತಂಗಾದಶ್ಚೈವ ಕೋಟ್ಯೋ ಲಕ್ಷಾನ್ವಿಸೀತೀತಧಿಕಾನಿ ಚೈವ ಪಂಚಾಶದಷ್ಟೌ ಚ ಸಹಸ್ರಸಂಖ್ಯಾಮಿ ತಶ್ಚದಂ ಪಂಚಪದಂ ನಮಾಮಿ ಹರಿಹಂತ ಭಾಷಿಯತ್ತಂ ಗಣಹೃದೇವ್ಯಂ ಗಂಧ್ಯಂ ಸಮಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಭಕ್ತಜತ್ತೋ ಸುಧನಾನ ಮಹೋವಯಂ ಶಿರಸಃ ಇಚ್ಛಾಮಂತೆ ಸುಧಭಕ್ತಿ ಕೌಶಕ ಕೌತಸ್ಸಲೋಚ ಮಂಗವಂಗ ಪಹಣೆ ಪವಳೆ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪರಮಾಣಿ ಪ್ರಭುಗ್ರ ಚೂರ್ಯ ಚೇಸದತ್ತಿಧಂ ಕಾಯಮಿಂಚ ಕಾಲಮಂಚೇಮಿ ಪೂಜೇಮಿ ವಂದಾಮಿ ನಮಸ್ಸಾಮಿ ದುಃಖ ಕೋ ಕಮ್ಮಕೋ ಬೋಯಲೋ ಶ್ರೀಗಂಧಂ ಸ್ಮೈಮಣಂ ತ್ರಿಗುಣ ಸಪ್ತಕ್ತೇ ವೈಮತ ನಮೋಸ್ತು ಸುರತ ಪಂಚಮಿ ಪಾವನ್ ವೇಲಾಯಾಂ ಶ್ರೀಮತ್ ಆಚಾರ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಕಾವಸರ್ಗಂ ಕರೋಮ್ಯಂ ಜಲಧಿಪಾರಿಗೇಭ್ಯ ಸಪರಮತಿ ವಿಭಾವನಾ ಪಟಮತಿಭ್ಯ ಸೋಚರಿತಪೋ ನಿಧಿಭ್ಯ ನಮ ಗುರುಭ್ಯ ಗುಣಗುರುಭ್ಯ ಛತ್ತೀಸ ಗುಣ ಸಮಗ್ರೆ ಪಂಚವ್ಯಾಚಾರ ಕರಣ ಸಂದರ್ಶಿ ಶಿಷ್ಯಾನುಗ್ರಹ ಕುಶಲೈರಂ ಮೈದೇಶ ವಂದೇ ಗುರುಭಕ್ತಿ ಸಂಜಮೇಳಿಯ ತರಂತಿ ಸಂಸಾರ ಸಾಯಿರಂ ಘೋರಂ ಚಿನ್ನಂತ್ಯಪ್ಯಕಮ್ಮಂ ಜಮ್ಮ ಮರಣಂ ನ ಪಾವ್ಯಂತಿ ಯೇ ನಿತ್ಯಂ ಕೃತಮಂತ್ರ ಹೋಂ ನಿರತಾ ಧ್ಯಾನಾಗ್ನಿಯೋತ್ರಾಕುಲ ಷಟ್ಕರ್ಮಾವಿರತಾಸ್ತಪೋದಂದನ ಸಾಧುಕ್ರಿಯ ಸಾಧವ ಶೀಲ ಪ್ರಾವರಣ ಗುಣ ಪ್ರವರಣ ಶ್ಚಂದರ್ಕತಿ ದೋಧಿಕ ಮೋಕ್ಷದ್ವಾರ ಕಪಾಟ ಪಾಠನವಟ ಪ್ರೀಣಂತು ಮಾಂ ಸಾಧವ ಗುರುವಾಪಾಂತೋ ನಿತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನ ದರ್ಶನ ನಾಯಕ ಚಾರಿತ್ರಮ ಗಂಭೀರ ಮೋಕ್ಷ ಮರುಪದೇಶ ಇಚ್ಛಾಯಂತೆ ಅರಿಭಕ್ತಿ ಕೌಶಕ ಕೌತಸ್ಸಲೋಚೋ ಸಂನಾಮ ಸಂದರ್ಶನ ಸಂಚಿತ್ತಂ ಪಂಚವ್ಯಾಚರಣ ಮಾರ್ಯಾಣ ಮಾರುದೇಶಣ ಮೋವಚ್ಛಾಯಣ ತ್ರಿಣು ಪ್ರಾಯಣ ಸವ ಶ್ರವಣ ಶಯಣಿಂ ಚ ಕಾಲಂ ಪಂಚೇಮಿ ಪೂಜ್ಯೇಮಿ ಬಂದಾಮಿ ನಮಂಸಾಮಿ ದುಃಖಕ್ಯೋ ಕಮ್ಮಕ್ಯೋ ಬೋಯಿಲೌ ಸ್ವೈಗಮನ ಸಮಾಯಮಣಂ ಜಿನ್ಗುಣ ಸಂಪತ್ತಮೈಮಚ್ಯಂ ಶ್ರೀಮತ್ಪರಂ ಗಂಭೀರ ಶ್ಯಾದ್ವಾದ ಮೋಕ್ಲಾಂಛನಂ ಜಿಯಾ ತ್ರಿಲೋಕನಾಥಸ್ಯ ಶಾಸನಂ ಜಿನ್ ಶಾಸನಂ ಜಿನ್ ಶಾಸನ ಕಿ ಜಯ ಹೋ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸತ್ ವಾರ್ಧಿರಿ ದುರ್ಧರ ಪುಷ್ಪದಂತ ಸುಮುನಿ ಶ್ರೀಭೂತ ಪೂರ್ವೋ ಬಲಿ ಏತೇ ಸನ್ಮುನಿಯೋ ಜಗತ್ರೈಹಿತ ಸ್ವರ್ಗಾಮರೈರಾರ್ಚಿತ ಕುರಿಯೋ ಮೇ ಜಿನ್ ಧರ್ಮ ಕರ್ಮಣಿ ಮತಿಂ ಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗ ಪ್ರದೆ ಸ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಹೇ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಧರ್ಸೇನ್ ಧರ್ಸೇನ್ ಆಚಾರ್ಯ ಕೌನ್ ಸೇ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇ ಧರ್ಸೇನ್ ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಆಪ್ ಸುರು ಗುರು ಹೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುರು ಹೇ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಹೇ ಜೈನ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತಾರಕ ಹೇ ವಾರ್ಧಿ ಹೇ ದುರ್ಧರ ಜ್ಞಾನ ಕೋ ಧಾರಣ ಕರ್ನೆ ವಾಲೆ ಹೇ ಔರ್ ಆತ್ಮೀಯ ಜ್ಞಾನ ಸೆ ಪುಷ್ಪದಂತ ಸ್ವಮುನಿ ಶ್ರೀ ಭೂತ ಪೂರ್ವೋ ಬಲಿ ಔರ್ ಜ್ಞಾನ ಸೆ ಪುಷ್ಪದಂತ ಔರ್ ಭೂತ ಬಲಿ ಮುನಿರಾಜ್ ಕೋ ಏತೆ ಸನ್ ಮುನಿಯೋ ಕೌನ್ ಸೇ ಮುನಿರಾಜ್ ಸತ್ ಮುನಿರಾಜ್ ಕ್ಯೂಕಿ ಯೇ ಇನ್ಕೆ ಶಿಷ್ಯ ನಹೀ ಥೆ ಇನ್ಹೋನೆ ಅರ್ಹತ ಬಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಸೆ ಬುಲವಾಯಾ ಥಾ ಕೌನ್ ಸೇ ಆಚಾರ್ಯ ಸೆ ಅರ್ಹತ ಬಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಸೆ ಬುಲವಾಯಾ ಥಾ और अरहत बलि उस समय 500 शिष्यों के मालिक थे आचार्य थे और महिमा नगरी में उन्होंने मुनियों का सम्मेलन रखा पहले का नियम था हर 5 साल में एक बार मुनियों का सम्मेलन होता था 100 किलोमीटर तक के महाराज आते थे हजारों मुनिराज आए और हजारों मुनिराज आए उस समय ये भी महाराज थे वहीं के थे दर्शन आचार्य नहीं कहते क्योंकि वो स्वयं ही महान आचार्य थे वो साधना में तल्लीन रहते थे
वो लोग बिंदुसार के पूरे ज्ञानी थे। महाकम्म पैड़ी पाहुल जो आप पढ़ते हो ना, इसमें भी पढ़ते थे महाकम्म पैड़ी, महाकर्म पैड़ी प्राकृत का पाहुल का पूरा उन्हें ज्ञान था। उन्होंने कहा मुझे दो शिष्य चाहिए। जयमाला में आपने पढ़ा होगा आज्ञाकारी समताधारित महातपस्वी मणि महान, पूरे गुण से नाम लिखा था और जो शास्त्रों में उनके लिए लिखा हुआ है। दो मुनिराज भेजो, तो उन्होंने दो मुनिराज को भेजा। और दो मुनिराज जब वहां से चल के उनके पास पहुंचने वाले थे तो आप देखिए दो तरुण बैल के रूप में दो मुनिराज आए, श्वेत धवल बैल। और बैल प्रतीक होता है महानता का, माता को भी 16 स्वप्न में दिखे, इधर धर्मसेन आचार्य को भी दिखे और इधर चंद्रगुप्त मौर्य को भी दिखे। दो तरुण बैल धर्म के रथ को खींच करके ले जा रहे प्रतीक। एते सन मुनियो, वो मुनिराज वहां पर आए और जैसे ही आए तो उन्होंने आंख खोली, स्वप्न था वो तो। जय दो श्रुत देवता, श्रुत देवता की जय हो। अब मेरे को जो मुझे चाहिए वो मुझे प्राप्त हो गया है। और जैसे वो दो मुनिराज आते हैं, नमोस्तु महाराज, आपकी आज्ञा से आचार्य अरहत बलि ने आपके श्री चरणारविंद में सेवार्थ मुझे प्रस्तुत किया है। क्या आज्ञा है महाराज? बस जाओ और 7 दिन में ये मंत्र है इसको सिद्ध करके आओ, कोई फॉर्मेलिटी नहीं। अरे तुम इतने दूर से चल के आए हो, पहले वो कर लो वो कर लो, वैसा है कोई सम्मान नहीं, कोई व्यवहारिकता नहीं। क्योंकि जब किसी की परीक्षा लेनी होती है तो उसको सम्मान मत दो, उसके औकात का अपने पता लग जाएगा कि वो पूछ से आ रहा है या बिना पूछ के आ रहा है, अपने आप उसके औकात का पता चल जाता है। स्थिति कितनी गंभीर है, कितनी सूक्ष्म शिक्षा उस समय दे दी। बोले वो बुलाया और जैसे ही वो आए कुछ भी नहीं पूछा और एकदम से मंत्र दे दिया, क्योंकि ये मंत्र के ज्ञाता थे, विद्यानुभाग पूर्व के ज्ञाता थे, सिद्धियां इनके पास आजू बाजू घूमती थी। नमोस्तु महाराज पर लिया और 6 दिन का उपवास करके दोनों के दोनों मुनिराज, इनका पहले नाम था पुष्पदंत का नाम था सुबुद्धि और भूत बलि का नाम था नरवाहन। एक श्रेष्ठी पुत्र थे यानी नगर सेठ के और एक सम्राट के पुत्र थे, दोनों समय के थे, उत्कृष्ट व्यक्ति। कथाएं लंबी चौड़ी है, काफी बातें कल आपको बता दी है और बाकी आप लोग आजकल बहुत पढ़ने लग गए हो किताब में, अब ये वर्णन आने लग गया है, पहले नहीं आता था अब आने लग गया है। मुझे प्रसन्नता की बात है मेरे लिए कि वो ज्ञान आपके पास तक अब पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से पहुँच रहा है। और ये खुलासा चाहता हूँ, बीज में जो वृक्ष छिपा है उसको प्रकट करने के लिए तो धरती पर डाला है, क्योंकि ये सारा का सारा बीज बोयाम में पड़ा हुआ था कांच के बर्तन में, और कांच के बर्तन में साल भर तक क्या 100 साल तक भी बीज रहे कभी वृक्ष का रूप धारण, लेकिन जब निकाल करके मिट्टी में डाल दो 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन में फिर वो नमी को पाता है और अंकुर पैदा हो जाता है, फिर से विचार जो है वो अंकुर के रूप में पैदा हो गए। अभी तो क्या उस अंकुर को मुझे बचाना, क्योंकि बकरियां बहुत घूम रही हैं उस पेड़ को खाने के लिए, पता नहीं कब कौन सी बकरी खा जाए। एकदम से जैसे ही बोलता हूँ एकदम से सब काटने को दौड़ते हैं और जो समझ जाते हैं वो धीरे शांत हो गए। बड़ा आनंद है मेरे को, क्योंकि अपने मन से कोई बात बोली जाती है तो टेंशन होता है, लेकिन किसी आधार पर बोली जाती है तो डर नहीं रहता, क्योंकि मालूम है उसमें है, लिखा हुआ है, प्रूफ है। पर शब्द का महत्व कोर्ट में नहीं होता है, कोर्ट में महत्व लिखित का होता है। शब्द से जो बयान पहली बार लिख गया लिखित हो जाता है तो वो प्रमाण हो जाता है। तो बकरियां भी बहुत घूमती है कब उसको खा जाए पेड़ को, लेकिन फिर भी सुरक्षा बाड़ लगा करके उस पेड़ को पनपने दिया जाता है। उन्हें 7 दिन तक बिल्कुल किया और 7 दिन में जैसे मंत्र सिद्ध करने लगे तो उनके पास विद्या आई, तो एक के पास कहानी देवी आई विक्रे में बहल की आई और एक के पास सुंदर दंत और सुंदर देवी आई, और दोनों देवी आई तो
थोड़ी थोड़ी विकृति को लेकर के काढ़ापन, लेकिन दास सुंदर पूरा भूत के समान तटपंथी हो गए। दोनों के दोनों देवी आई और उन्होंने दिखा रही, देवी देवताओं का ऐसा स्वरूप तो होता, और इतने दिन से मंत्र कर रहा हूं ऐसी देवी आई, हो न हो इस मंत्र में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है। और जैसे उसको देखा बोले, अरे आचार्य महाराज ने तो बड़ी कलाकारी करी, एक को हीन अक्षर वाला मंत्र दिया और एक को बृहद अक्षर वाला मंत्र दे दिया, इसलिए हीन अंग की भी आ गई और बृहद की भी आ गई है। उनके मन में विकल्प हो गया। आज्ञाकारी ने पहले आज्ञा का पालन किया और सिद्ध करने के बाद बोले, नहीं मंत्र गड़बड़ है। क्या गड़बड़ी है? दोनों ने चर्चा करी और बोले, मंत्र को सुधारो और 7 दिन तक और फिर विद्या के लिए जाप करो। और जैसे ही 7 दिन के बाद उन्होंने मंत्र जपना प्रारंभ किया, दोनों सर्वांग से सुंदर देवी आ गई। हे गुरुदेव, क्या क्या है, आपने क्यों याद किया? बोले, कोई आज्ञा नहीं, गुरु महाराज की आज्ञा थी, इसलिए मंत्र जाप करके सिद्ध किया, आप आए हैं, आपको मेरा मंगलमय आशीर्वाद। विद्या के प्रति कोई लोभ नहीं। और जैसे वो क्या 12 दिन 14 दिन के बाद उनके पास गए, क्योंकि कहीं आपको 6 दिन भी मिलेगा, कहीं 7 दिन भी मिलेगा। और जैसे उनके पास गए, नमोस्तु महाराज, 15 दिन का उपवास हो गया उनका। शरीर था, एक एक महीने दो दो महीने करते थे, उपवास उपवास भी कर लेते थे। और जैसे लौटे, नमोस्तु महाराज, क्या बात है, बहुत विलंब कर दिया गुरुदेव, आपने जो मंत्र दिया उसको 7 दिन में सिद्ध तो कर लिया, लेकिन एक हीनांग की एक अधिकांग की देवी आई थी, इसलिए सोचा मंत्र में कोई त्रुटि है, क्योंकि मालूम था नंग हीनम मलम छेतुम दर्शनम जन्म संततिम नहीं मंत्रोक्षरम न्यून्यो निहंती विष वेदनाम, कि मंत्र का अक्षर अगर न्यून हो जाता है तो फिर वो जहर को भी उतारता, निहंती विष वेदनाम नहीं मंत्रोक्षरम न्यून्यो, मंत्रोक्षर में न्यून हो जाए तो विष की वेदना को दूर नहीं करता, और अधिक भी हो जाए तो वस्तु के स्वाद को भी बिगाड़ देता है, भोजन में नमक ज्यादा हो जाए तो स्वाद को बिगाड़ देता है। बोले, उसी प्रकार अधिक अक्षर और हीन अक्षर की थी। फिर बोले, गुरुदेव फिर मैंने मंत्र को सुधारा और सुधार करके फिर सिद्ध किया, तो दोनों देवियां सर्वांग से सुंदर सिद्ध हुई। धस्यन आचार्य दोनों को बिल्कुल आत्मीयता से गले लगाने, बोले, बैठ, तू ही योग्य शिष्य है, पहले तो तू आज्ञा का पालन करेगा और उसमें कोई त्रुटि होगी तो तुम्हारे में उसे सुधारने की भी क्षमता है, क्योंकि पहले 7 दिन आज्ञा पालन किया, नहीं तो समय देख लेते, आपको जरा सा कभी कोई परेशानी हो जाती है और आ जाते हो महाराज के पास, कहते महाराज मंत्र दे दो, महाराज ने कहीं वही बोल दिया, नमोकार का जाप कर लेना या कोई ऐसे, बोले ये वाला तो मालूम था, जप लेते नहीं, पहले प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया है, और प्रश्नवाचक चिन्ह हसिया होता है जो काटने का काम करता है। प्रश्नवाचक चिन्ह कैसा होता है? हसिया, घास काटने का प्रश्नवाचक चिन्ह। यहां तो कॉमा लगाओ, आगे बढ़ो, तो बाथरूम के पूर्ण विराम लगाओ, जो है सो, कितना बड़ा होता है समर्पण, बड़ा गहरा होता है। ओहो, ऐसी बात है, बोले प्रसन्न हो गए धर्मेन्द्राचार्य, बोले मेरे को योग्य व्यक्ति मिल गया है। और जैसे मिला वो बैठ गए, वहां से विहार किया और सीधे पहुंच गए गिरनार पर्वत के चंद्र गुफा में। कौन सी गुफा में? कल बताया था। और चंद्र गुफा में बैठ करके महाकम्म पैड़ी पाहुड़ पुष्पदंत को लक्ष्य रख करके दिया। आप कहोगे वही नाम आप क्यों बोलते हो? किताबों में, शास्त्र में, शक्कर आगम में, भाग में लिखा है, जय उधर सेन ना हो जेड महाकम्म पेड़ी पाहुड़ सीलो बुद्धि सिरे रुद्रियो समप्पियो पुप्पदंतस। जय हो धर्मसेन आचार्य की, जेड महाकम्म पेड़ी पाहुड़ सीलो, जिनको महाकम्म पेड़ी पाहुड़ सील का पूरा ज्ञान था, और बुद्धि रूपी सिर पे उनके ज्ञान का सरोवर पूरा भरा हुआ था, समप्योपफयंतस्सा, और वो सारा का सारा ज्ञान पुष्पदंत को समर्पित कर दिया। ग्रंथ में श्लोक मिलेगा, ये श्लोकों को नहीं छापता है।
गौतम छपता तो है, तत्खंड आ रहा हूँ, इधर उधर के नाम जोड़ करके लिख गया, इसका भी बाद में नकली श्लोक बना हुआ है, वो भी आपको पढ़ के बचा दूंगा। नकली प्रोडक्ट बहुत आ जाते हैं और सस्ते होने से जल्दी बिकते हैं, असली तो वह क्षमता वाला ले पाता है, अनक्षमता वाला नहीं ले पाता, ब्रांडेड चीज हो जाती है, किस्मत की बात होती है, उसके लिए बहुत धैर्य चाहिए, अपने भीतर सक्षमता समर्थता चाहिए। जैसे वो क्या समर्पित किया और दोनों बैठे हुए थे और दोनों को एक सा ही ज्ञान मिल रहा था, लेकिन आपके पास दो शिष्य है तो लक्ष्य रख करके बोलेंगे ना प्रदीप जी को, कोई सुलोचना को थोड़ी ना बोलेंगे, लेकिन इसके बोलते हुए सुन रहा है, सुन रही है, आप भी सुन रहे हो, और जिसके में जितनी बुद्धि होगी उतना स्मृति के तिजोरी में भरता चला जाएगा, और दोनों की बुद्धि अच्छी थी, तीक्ष्ण बुद्धि के धारी थे, आज्ञाकारी थे, समर्पित थे, वो ज्येष्ठ थे, पुष्पदन बड़े थे, भूतबली छोटे थे, तो स्वाभाविक बड़े का नाम लिया जाता है, स्वाभाविक बड़े का नाम लिया जाता है। जैसे लिखा जो दिया उन्हें बोला अच्छा, और सीधे ज्ञान देना प्रारंभ कर दिया, और बिल्कुल ऐसे ही था दिमाग जैसे वर्तमान में कैसेट है, वो बोलते जा रहे हैं और उनके दिमाग में डप होता जा रहा है, और ये ज्ञान चलता चला आया है बाद में भी, एक पाठी ज्ञान, अकलंक देव को भी एक पाठी ज्ञान था, एक बार बोलते थे सुनते थे याद हो जाता था, और निकलंक को दो बार में याद होता था, ये भी चलता रहा हजार साल तक, ऐसा चलता रहा, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे थे उस समय शास्त्रों में सब, इसीलिए एक पाठी, द्विपाठी, त्रिपाठी, ब्राह्मणों में सरनेम आज भी है, तीन बार सुन करके याद हो जाता है, दो बार सुन करके, क्योंकि ये ब्राह्मण ज्ञान की विद्या में आगे बढ़े थे, तो ये ब्राह्मण तो आज बोलते हैं एक पाठी, द्विपाठी, त्रिपाठी, लेकिन उस समय ब्राह्मण किसको बोला जाता था, तपस्वियों को, क्योंकि शास्त्रों में लिखा व्रतम धारयति इति ब्राह्मणा, जो व्रतों को धारण करता वो कौन है, ब्राह्मण है। राज्यम करोति इति क्षत्रिया, जो राज्य करता है वो कौन है, क्षत्रिय है। विपणन करोति इति वैश्य, जो व्यापार करता वो वैश्य है, और बाकी कार्य के लिए सारे के सारे चीजें कही गई है, कैसी चीजें शास्त्रों की व्याख्या, देखो व्याख्या को तो देखो, और वो व्याख्या के साथ चले, तब उनको वो विद्या सिद्ध हुआ, पूरा का पूरा ज्ञान चंद्र गुफा पर दिया, और चंद्र गुफा पर एकादशी को समाप्त हो गया उनका ज्ञान देना, और वो बिहार कर गए। धर्मसेन आचार्य बोले अब तुम लोग जाओ, चातुर्मास कहीं और करो, मेरा तो समाधि का समय। उसके बाद आचार्य धर्मसेन का कोई वर्णन नहीं है, लेकिन पुष्पदंत और भूतबली गुजरात प्रांत के अंकलेश्वर गाँव के जिन मंदिर में स्थान पर चले गए, जिन मंदिर भी नाम नहीं आता, गुफा भी नाम नहीं आता, केवल अंकुलेश्वर ग्राम ये आता है, मंदिर तो हम लोग बोलते हैं, आज भी वहाँ पर एक मंदिर है गुजरात प्रांत में है, वहाँ पर चले गए और उन्होंने चातुर्मास की स्थापना करी, दोनों ने चातुर्मास किया और चातुर्मास के मौन साधना करी और अपने ज्ञान का बहुत विनिमय करते रहे। फिर आचार्य भूतबली दक्षिण की ओर बिहार कर गए और पुष्पदंत वहीं पर रहे। अब बोले ओ हो, अब चातुर्मास बीत चुका है, वर्षा काल समाप्त हो गया है, जीव राशि कम हो गई है, इसलिए अब जीव राशियों को अलग करते हुए अब हमें जब सूखे ताड़ पत्रों को निकालना है और कांटों की तुलिका बनानी है और कांटों की तुलिका बना करके अपने को कार्य प्रारंभ करना, उसके इंतजाम में लगे हुए थे, इसलिए कहा वार्धिर दुर्धर पुष्प दंत सुमुनि श्री भूत भूल हो परि एते सन मुनियो जगत त्रय हिता। ये जो मुनराज हैं वो तीनों जगत के हितकारी हैं, स्वर्गामरे राजिता और स्वर्गों के देवताओं के द्वारा भी अर्चित हैं, यानी पूजित हैं, पूजित हैं। कुरियो में जिन धर्म कर्मणि मतिम, इसलिए हे मुनराज मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, क्या कुरियो में करो मेरा, किसमें, जिन धर्म कर्मणि, जैन धर्म के कर्म में मतिम, कितना बड़ा शब्द है, कुरियो में जिन धर्म कर्मणि मतिम, मेरी मति को जिन धर्म की ओर मोड़ो, क्योंकि उस समय साथ नहीं लिखा था तो मत मतांतर और ज्यादा फैल गए थे, और समय कितने मत मतांतर थे उस समय के इतिहास से देख लेना, सारे के सारे उस समय पनप रहे थे और सब पनपते भी अपने अपने शास्त्रों को लिखने की बोलने की चेष्टा कर रहे थे। उस समय ये लिखा कुरियो में जिन धर्म कर्मणि मतिम, हे मुनिराज मेरी मति को जिन धर्म की ओर अग्रसर करो, स्वर्ग पवर्ग प्रदे, ताकि स्वर्ग और अपवर्ग का मार्ग
खुल सके। कौन सा मार्ग खुल सके? स्वर्ग और अपवर्ग यानी स्वर्ग और मोक्ष का मार्ग, क्योंकि जहाँ त्याग है वहाँ देवपर्याय है और जहाँ पूर्ण त्याग है वहाँ मोक्ष है। तो फिर इसका नाम लिख करके बीरसेन आचार्य ने टीका लिखी है, धवलाम भारती तस्य कीर्ति तस्य स्तुति निर्मलाम धवलीकृत निशेष भूनाम ताम नमाशयम। तो धवला भारती जो आप पढ़ते हैं इसमें लिखा हुआ धवला, जय धवला महा धवला, इसकी टीका का नाम धवला रखा यानी श्वेत टीका। कौन सी टीका? श्वेत टीका। राजा भी उस समय धवल था, अमोघ वर्ष धवल। तीन कारणों से बता देते, धवल परिणाम से, धवल शुक्ललेशा से, धवल राजा से और धवल पुष्पदंत के शरीर से गौरव वर्ण के। ये सारे के सारे वर्णन इसमें बहुत सारे लेख लिखे हैं, कभी मौका मिले पढ़ते रहना। कीर्ति चुचि निर्मलाम धवलीकृत निशेष भुवनाम ताम नमस्यम, और भुवन में जो है उनको मैं नमस्कार करता हूँ। और नमस्कार करते हुए फिर लिखा क्या, सिद्ध मणंत मणिंद्रिय मणवम पत्त सोख मण वज्जम केवल पोहोयणिज्य दुन्ने तिमिरम जनम नमः। ये बीरसेन आचार्य ने लिखा। पहले तो मैं जो सिद्ध हैं, अनंत स्वरूप हैं, अतीन्द्रिय हैं, अनुपम हैं, आत्मस्थ सुख को प्राप्त हैं, अनवद्य हैं, निर्दोष हैं, जिन्होंने केवल ज्ञान रूपी सूर्य के प्रभाव पुंज से कुनै रूपी अज्ञान को दूर कर दिया है, ऐसे जिन भगवान को नमस्कार करता हूँ। क्या करता हूँ? नमस्कार करता हूँ। अब नमस्कार करने के उपरांत फिर लिखा, अब कौन से आचार्य लिख रहे? बीरसेन आचार्य। कौन से आचार्य? बीरसेन आचार्य। कभी चलेगा 24 तीर्थंकर के 24 सूत्र पढ़ूंगा। कितने पढ़ूंगा? 24 सूत्र। केवल सुनना है आज, श्रोता क्या होना है? शुद्ध वाणी आ जाएगी। कौन सी वाणी आएगी? शुद्ध वाणी। आकाश से जो गिरी वाणी है पानी, उसको अंजलि में ले लिया, जमीन पे आने नहीं दिया। ये वाणी ये है, तीर्थंकर की ध्वनि गणधर ने सुनी। अभी जो इसमें आप पढ़ रहे हो तो तीर्थंकर की वाणी गणधर द्वारा, जो पिछले मुनियों द्वारा लिखा गया, जो भक्त जनों से बंधित है। जब रोज करने लगेंगे तो ये भी याद होने लग जाएगा। चीज वही है बिल्कुल, शब्दों का अंतर है। फिर लिखा क्या, फिर बीरसेन आचार्य ने ग्रंथ लिखते हुए लिखा, पड़वामि पुप्फदंतम दुखयंतम दुर्नयंधकार रविम भग्ग शिव मग्ग कंटय मिशी समीय वयम सयादंतम। जो दुष्कृत अर्थात पापों का अंत करने वाले हैं। अभी नमस्कार कर रहे हैं, पड़वामि पुप्फयंतम पुष्पदंत को प्रणाम करते हुए पहला श्लोक लिख रहे हैं। जो दुष्कृत अर्थात पापों का अंत करने वाले हैं, जो कुने रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य के समान है, क्योंकि उस समय कुने चल गया था, वर्तमान में भी कुने चला है ना, एकांतवाद व्यवहार नए निश्चय नए ये सब झगड़े चलते कि नहीं, उस समय भी चलते थे, आज के नहीं है, तो आदिनाथ के समय से चले आ रहे हैं। मोक्ष मार्ग के कंटकों को, मिथ्योपदेश आदि प्रतिबंधक कारणों को नष्ट कर दिया है, जो ऋषियों की समिति के सभा के अधिपति है। क्या शब्द दिया उनके लिए? उस समय के सबसे बड़े महाराज इनको माना गया, इसीलिए इनको जो उपमा दी गई है, ऋषि समय अधिपति, ऋषियों की सभाओं के अधिपति। अब उस समय सैकड़ों हजार साधु थे, लेकिन ऋषि सभा का अधिपति, आप सभा का अधिपति किसको बनाते हो? कोई ना कोई कारण होता, आज तो पैसे से बनाते हो, लेकिन सम्मान से गुण से बनाते थे, लेकिन वो बनाएगा। ऋषि सभा के अधिपति हैं जो निरंतर पंचेंद्री का दमन करने वाले हैं, पंचेंद्री के विषयों को पूरा छोड़ दिया है, ऐसे पुष्पदंत आचार्य को मैं वीरसेन आचार्य प्रणाम करता हूँ। ये शास्त्र में लिखा हुआ पर मैंने नहीं बनाया, क्योंकि मेरे को प्राकृत आती नहीं है। प्राकृत को पढ़ना तो आता है, लेकिन उसमें कविता बनाना श्लोक बनाना नहीं आता, इतना मैं नहीं पढ़ा। खाली 1.5 साल प्राकृत पढ़ाऊँ बस, वो भी आचार्य श्री के साथ था राजस्थान में चौमासे में, वो भी बिहार में सप्ताह में एक दिन पंडित जी आते थे, बस कोर्स कराते थे और चले जाते थे। उदयचंद नाम है उनका, आज भी वो पंडित जी हैं जी है ऐसे। प्राकृत में उन्होंने अष्टक भी बनाया है, नमः कय भूय बलिम भूय बलिम केशवास परि भूय बलिम विनिह वम्मह वसरम
वड्डाविय विमलनाण व महापसरम। अब दूसरे आचार्य भूत बलि को नमस्कार किया, जो भूत अर्थात प्राणी मात्र से पूजे गए हैं, भूत नामक व्यंतर जाति के देवों से पूजे गए हैं, जिन्होंने अपने केश पास संयत सुंदर बालों से बलि अर्थात बुढ़ापे को उत्पन्न होने वाली शिथिलता को तिरस्कृत कर दिया है, जिन्होंने कामदेव के प्रसार को नष्ट कर दिया है, जिन्होंने निर्मल ज्ञान के द्वारा ब्रह्मचर्य के प्रसार को बढ़ाया है, ऐसे भूत बलि आचार्य को प्रणाम करता हूँ। ये दोनों आचार्यों को प्रणाम किया। इनको प्रणाम किया, प्रणाम किया। प्रणाम करने के उपरांत जब इनको ग्रंथ मिला, ताड़ पत्र में ग्रंथ मिला, ग्रंथ मिलने के उपरांत फिर आगे बढ़े, उस ग्रंथों को पढ़ा, तो बोले ग्रंथ को पढ़ने के उपरांत कितने कारणों से किया जाता है मंगल। तब उन्होंने मंगल के लिए कह दिया, मंगल निमित्त है वो परिणाम मनामतः यकत तारम वगरिय छप्पिय पच्छा वक्खाणो सत्थमायरियो। आचार्य नमस्कार करते हैं। छह कारणों से मंगल, निमित्त, हेतु, परिणाम, नाम और कर्ता। जब भी कोई ग्रंथ है वो छह चीजों को देख लिया जाता है। सबसे पहले मंगल, मंगलाचरण है या नहीं, मंगल है या नहीं, सबसे पहले मंगल शब्द ले लिया। मंगल तो बहुत सारे हैं लेकिन ये ग्रंथ की चीज बिल्कुल अलग है। तो कार्य की निर्विघ्न समाप्ति के लिए, पूर्वाचार्यों के स्मरण के लिए, तो क्या लिखा, पूरा का पूरा पूर्वाचार्य के स्मरण के लिए मंगल, तो पाप के गलाने वाला मंत्र इन्होंने लिखा। निमित्त क्या बना, बोले भव्य जीव के संबोध के लिए और श्रुति की रक्षा के लिए, ये निमित्त बना दिया। हेतु धर्म की सुरक्षा, किसकी सुरक्षा, धर्म ज्ञान की, क्योंकि स्मृति कमजोर होती जा रही थी। परिणाम, परिणाम बोले इसमें तो 177 सूत्र हैं लेकिन लाखों करोड़ों सूत्र हैं, केवल शुद्ध शास्त्र की बात है, केवल सुनते जाओ। और उसके उपरांत नाम, नाम तो इस ज्ञान का है, महाकम्म पैड़ी पाहुड़। क्या नाम है, महाकम्म पैड़ी पाहुड़। लेकिन जो इसका पहला भाग है उसका नाम क्या है, सत प्ररूपणा। क्या नाम है, सत प्ररूपणा। इसमें सब अलग अलग नाम लिखे होंगे, इसमें वेदना नाम, किसी में मार्गणा नाम, किसी में सत्प्ररूपणा नाम, सब अलग अलग नाम, वो भेद है। एक एक क्लास में बढ़ते चले जा रहे हैं, उसी प्रकार विवेचन किया जा रहा है। कर्ता, फिर इसके उपरांत देखा जाता है इसके कर्ता कौन है, इसके कर्ता आचार्य पुष्पदंत और भूत बलि है, क्योंकि इसको छह खंडों में विभाजित कर दिया, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, सत्य खंडागम। और सत्य खंडागम इसलिए रखा क्योंकि आदिनाश से लेकर के आज तक छह ही चीजें चली, आदिनाथ भगवान थे, ऐसे छह नहीं रखा, नौ भी रख सकते थे, दस भी रख सकते थे, पांच भी रख सकते थे, द्वादशांग भी रख सकते थे, क्या रख सकते थे, महाकम्म पैड़ी पहाड़ भी रख सकते थे, लेकिन बोले नहीं, बोले परंपरा जो चली आ रही है अपने छह की चली आ रही है, आदिनाथ ने सबसे पहले सत कर्म का उपदेश दिया, कितने कर्म का, असी मसी कृषि वाणिज्य शिल्प और कला, दे दिया कि नहीं दे दिया, सत कर्म। और उसके उपरांत गृहस्थ आया तो गृहस्थ के लिए भी कितने कर्म दिए, छह कर्म। सत कर्म किसके हैं, देव पूजा गुरु पास्ती स्वाध्याय संयम तप और दान। और फिर मुनिराज के लिए भी कितने कर्म दिए, छह आवश्यक दिए, कितने दिए, सत उनके लिए भी दिए हैं, समता वंदना स्तुति प्रतिक्रमण स्वाध्याय विश्वर्ग और ध्यान। और उसके उपरांत उनका बेटा चक्रवर्ती आया, कितने खंड का मालिक, कितने खंड का मालिक, छह खंड का मालिक था, कितने खंड का मालिक, सतखंड आगम, छह खंड का मालिक था। इसलिए इनकी टीका लिखने वाले को कभी कभी चक्रवर्ती की उपाधि देते थे, सिद्धांत चक्रवर्ती। क्या देते उपाधि, सिद्धांत चक्रवर्ती। इसकी छोटी टीका लिखने वाले को दिया गया है, आपको बताया भी था कल। तो ये छह चलता रहा और ये सारा का सारा गृहस्थ का धर्म भी आ गया, मुनि का धर्म भी आ गया, जीविका का भी छह आ गया, काल भी छह आ गया, चक्रवर्ती के खंड भी छह आ गए। तो सिद्धांत को भी कितने रूप में बांटा गया, छह खंड। कितने खंड में, छह खंड में बांटे। और छह खंड के बहुत सारी पुस्तकें, 16 पुस्तकें ये हैं, फिर धवला, जय धवला, महाधवला, जो कसाय पहुड़ महाबंध के नाम से है, इस प्रकार 23 वॉल्यूम हो गए इसके। अब इतना पढ़ने में पसीना आ जाएगा आपको, क्या आ जाएगा, देखने में पसीना आ रहा, अभी तो सुनने में पसीना आ रहा है यार, ये कब तक चलेगा, जब तक चलेगा तब तक बैठे रहना पड़ेगा, आज भागने का कोई चांस नहीं है, ये जिनमानी करो, सोचो। ये पूरा का पूरा दे दिया, तो ये छह कारण दे दिए। कितने कारण दिए, इसमें भी छह कारण दे दिए। फिर आवाज आने लगेगी, मेरी आवाज दब जाएगी, एकदम शांत रहेगी, थोड़ा झेल लो।
ये हुआ तब फिर आचार्यों ने अब क्या लिखा देखिए, इति नाम आयरिय परंपरागयम अने मणे नाव वहारिय पुपायरियाणुसरणम तीरयन एवोत्ति पुप्फ दंतायरियो मंगलादीनम छन्नम सकाराणम परुवट्टम सुत्तम आह। सुत्तम आह अब सूत्र को कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं, सूत्र को कह रहे क्या, आचार्य परंपरा से आए हुए इस न्याय को मन में धारण करके। सारी की सारी चीजें प्राकृत में भी हिंदी में भी है, पूर्वाचार्यों के आचार अर्थात व्यवहार परंपरा का अनुसरण करना, व्यवहार परंपरा का अनुसरण करना रत्नत्रय का कारण है। पूर्व परंपरा का अनुसरण करना किसका कारण है, रत्नत्रय का कारण है। और उस परंपरा को अगर कहीं पर भी काट दे रहे आप तो बोले रत्नत्रय में त्रुटि है, ऐसा समझकर पुष्पदंत आचार्य सकारण मंगलादि छह अधिकारों का व्याख्यान करके पहला मंगल सूत्र कहते हैं। कौन सा सूत्र, जैसे आप अपने गले में बांध रहे हो ना मंगल सूत्र, दो बंध गए, कौन बंध गए, दो बंध गए, उसे आप मंगल सूत्र कहते हो। ये मंगल सूत्र कौन सा है, जैनियों का मंगल सूत्र कहते हैं। तब उन्होंने 5 पद 35 अक्षर 58 मात्रा का श्लोक लिखा, नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो वायरीयाणम नमो वज्छायाणम नमो लोय सौवसाहुणम। ये आर्य छंद में 2 लाइन में है, हम लोग 5 लाइनों में बोलते हैं लेकिन है कितना, 4 चरण 2 लाइन। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो वायरीयाणम नमो वज्छायाणम नमो लोय सौवसाहुणम। ये मंत्र है 5 पद 35 अक्षर 58 मात्रा। जब इसकी महिमा गाई तो क्या कह दिया, ऐसो पंच नमोकारो सव पावक पर मंगलाणम च सव्य सिंह परम महावई मंगलम। यह पंच नमस्कार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है, इस मंत्र को मान लिया जो पहला लिखा हुआ है। इसलिए जब भी प्राश्चित देते तो नमोकार मंत्र की माला फेरने बोलते हैं, किसी दूसरे की गाथा पढ़ने का बोलते हैं। देख लो मूल चीज, और दुनिया का कितना भी आप कर लो, कितना भी तपस्या कर लो, कितनी भी साधना कर लो, अगर नमोकार मंत्र नहीं पढ़ रहे हो तो आप जैन कहलाने के अधिकारी भी। ये नमोकार मंत्र आपकी जैनत्व की पहचान है, भले मंदिर जाओ या ना जाओ। और सबसे पहले आप 45 दिन के होते हो, कितने दिन के होते हो, आपके कान में कौन सा मंत्र सुनाया जाता है, नमोकार सुनाया जाता है। तो नमो में कुछ नहीं है, नमो अरिहंताणम आखिरी में नम है और शुरू में नमो, नमो का अर्थ नमस्कार है, नमो का अर्थ मौन, नमो मौन उल्टा करो, और नम का अर्थ नमस्कार है और नम का उल्टा मन, मन को मौन करके जाप करो। किसको करके, 5 पद 35 अक्षर 58। बाकी तो ये नमोकार मंत्र ऐसा है कि 1000 धुनों में भी आप इसको गा सकते हो। इसलिए गायक आते कितने धुनों में आ जा गाने लग जाते हैं, कितने धुनों में गाते हैं, कई धुनों में गाने लग जाते हैं। तो इस प्रकार नमस्कार मंत्र में अरिहंतों को नमस्कार हो, सिद्धों को नमस्कार हो, आचार्यों को नमस्कार हो, उपाध्यायों को नमस्कार हो और लोक के सब साधुओं को नमस्कार हो। इस प्रकार यहाँ पर बात कही गई है, इसलिए विशेषार्थ में कह दिया है, आगम के किसी श्लोक गाथा वाक्य अथवा पद के ऊपर अर्थ निर्णय करने के लिए पहले निर्दोष पद्धति से श्लोक आदि का उच्चारण करना चाहिए, तदंतर पदच्छेद करना चाहिए, उसके बाद अर्थ कहना चाहिए, अनंतर पद निक्षेप आदि नामादि विधियों से नयों का आलम्बन लेकर पदार्थ का ऊहक वो करना चाहिए यानी चर्चा करनी चाहिए, तभी पदार्थों के स्वरूप का निर्णय होता है। यानी चर्चा करो, पढ़ो, उच्चारण करो, तभी तुम उस पदार्थ का निर्णय करते चले जाओ। अब इसका वर्णन जो किया गया है बिल्कुल 73 पेज में किया गया है, कितने पेज में किया गया है, 73 पेज में किया गया है। और 73 पेज में करते हुए जो बाद में बोलता हूँ, उसके पहले तो मैं बोलता था पर इसके उपरांत आगे बढ़ते चले गए, सब विद्वत गोष्ठी होती चलेगी। लखनऊ में भी था, महासभा ने 100 पंडित जी को बुलवाया था, 100 पंडितों की गोष्ठी वहां हुई थी, प्रदीप लिखे गए, इसका विवेचन भी अभी बहुत सारे 10 पेजों में वर्णन मिल जाएगा। अब 52 पेज सीधे निकालता हूँ, 92
अब उसके बाद पहला तो नमोकार मंत्र लिखा, और नमोकार मंत्र लिखने को उपरांत फिर सूत्र लिखते हैं आप धीरे धीरे। तो गुणस्थान और मार्गणा, मार्गणा का मतलब होता है जिन जिन धर्म विशेषों से जीवों का अन्वेषण खोज किया जाता है। अब उसमें संसार में जीवों को खोज, विज्ञान आजकल कितने जीवों को खोज रहा है, तो आचार्यों ने बता दिया जीव हैं और कितने जगह हैं, चार गति में है। कितने हैं? चार गति में। वही लोक बिंदु में लोक भ्रमण के नाशन का संदेश दिया, लोक के भ्रमण में जो जीव हैं और लोक के नाश का, इसमें लोक के भ्रमण में मार्गणा कर्म और इधर गुणस्थान, गुणस्थान 14 है और सब वर्णन आएगा। तो ये पूरा का पूरा वर्णन है जो लोक बिंदु सार का है। तो इसमें कह दिया गया कि इस प्रकार कौन कौन सी चीज आ गई है, मार्गणा स्थान और गुणस्थान। अब 133 पेज में आएगा एकदम मोटे मोटे सब केवल। तो जो पूछा गया ये कौन से मार्गणा स्थान, तो सूत्र लिखा तम जहा, वो कौन कौन से हैं, तब आचार्य ने कहा गई इंदी काये जोगे वेदे कसाये नाणे संजमे दंशने लेशा भविय सम्मत सन्नी आहार्य चेरी। आचार्यों की वाणी है यह मूल वाणी। कौन सी वाणी? अब इतनी सारी वाणी को सुनने में पसीना आ जाएगा आपको, क्योंकि जैसे आम के पेड़ में अनेक मंजरी आती है, लेकिन तूफान आता कितनी मंजरी गिर जाती है पता नहीं, फिर कितनी बोड़ी आती है आधी की, और आधी में कितनी इतनी बड़ी कच्ची हो पाती है, बोले आधी की, फिर कितने तूफान में गिर जाता है, बोले आधा का आधा, पक करके कितना मार्केट में आता है, बोले आधा का आधा, और मार्केट में आने के बाद दुकान में कितना आता है, बोले आधा का आधा, और उसमें ठिलिया में कितना आता है, बोले आधा का आधा का आधा का आधा का आधा, ठिलिया से आपके थैली में कितना आता है, बोले आधा का आधा का आधा का आधा का आधा, और आपके घर में कितना जाता है, उतना जाता है, तो आपके हाथ में कितना आता है, बोले आधा का आधा का आधा का आधा का आधा का एक कली, और एक कली को खाते हो तो कितना पच के रस बनाता है, कितना अपने पास है मंजरी तो बहुत सारी, लेकिन ये पंचम काल के तूफान में गिरते 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 हमारे पास कितना साया, लेकिन उस एक कली में वही स्वाद है जो पूरे पेड़ के आम में स्वाद है, उस एक ज्ञान में उतना ही स्वाद है जितना पूरे जिन आगम में स्वाद है, यही स्वाद को लेने की कह दिया। तो आप जब भी पढ़ोगे तो सबसे पहले नमोकार मंत्र पढ़ते हो, जैनियों की पाठशाला जो भी चलेगी जैन पाठशाला, अगर जिस जैन पाठशाला में ये चीज नहीं पढ़ाया गया तो समझ लेना जैन पाठशाला नहीं कहलाती। तो सबसे पहले नमोकारी पढ़ाया जाता है, उसके उपरांत क्या यही पढ़ा जाएगा गति, कौन कौन सी गति है, तुम जीव हो कि अजीव हो। अब आजकल शुद्ध आत्मा वाले कहने लगे मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ, अरे पगले पहले जीव तो पता लगा ले, शुद्ध चैतन्य आत्मा तो तुम्हें पता लग जाएगा अभी क्या है। अरे भाई साहब तुम घर में अगर वायरिंग कराओगे तो तार अंदर होगा, बाहर तो कवर लगाओगे ना, डायरेक्ट अगर तार को छुओगे तो क्या होगा, बेमौत। तार लगा करके कर्म से कर्म को जोड़ो, साधना करो, पहले ऊपर त्याग तपस्या तो लाओ। गति, सबसे पहले गति के बारे में तो चार गति है, इंद्रिय पांच इंद्रिय है, काय सत्काय भी है, योग तीन योग भी है, वेद तीन वेद भी है, कषाय चार, ये सारे का सारा वर्णन मिल जाएगा, कषाय संयम। अब भेद प्रभेद करो तो कितना, कल मैंने बताया था ना, कोई भी चीज आचार तो रत्न है, क्या है वो रत्न के समान मूल चीज को दे रहे हैं आपको, उसका विस्तार बाद में करोगे। जैसे आपको बोला दिल्ली, अब दिल्ली केवल नाम बता दिया राजधानी है, अब दिल्ली में कितने नगर हैं, कितना किलोमीटर है, कितने गांव हैं, कितनी गलियां हैं, कितने क्या है, कहां क्या है, ये तो बाद में देखा जाएगा ना। उनने 177 सूत्र में केवल मूल चीज लिखी, ये पूरा का पूरा कौन सा स्थान है, मार्गणा स्थान है। मार्गणा कितना होती है, 14 ही होती है, कितनी होती है, 145 पेज, फिर देखो इतने सारे पेज भी है, उधर भी चला गया, उधर भी चला गया, डामाडोल मन रहता है, कुल देवी देवताओं को मान करके दुनिया का काम कर बैठते हो, सब मिथ्या दृष्टि होती, इधर जिन धर्म में मानोगे, और पहला ग्रह का पैसा आ गया, जय हो लक्ष्मी मैया। अब वो पैसा तो तुम्हारी किस्मत मेहनत से आ रहा है, लेकिन उसको देवता सम्मा मिथ्या दृष्टि, भगवान के प्रति अरुचि तो नहीं हुई, लेकिन दुनियादारी भी कर रहा, कितना भी अच्छा मकान बना लेगा, पढ़ा लिखा भी होगा तो एक मटका लगा देगा, एक भूत लगा देगा कहीं नजर, और ये सब होता है, होता है कि नहीं होता है। घर में कोई शादी ब्याह हो गया तो कुल परंपरा की कई चीजें आपको माननी पड़ती है, सब माम इच्छा कि अपने धर्म को तो नहीं छोड़ा, लेकिन डामाडो महावीर कहते क्या डरना, तेरे पाप को उदय आएगा तो बिगड़ेगा नहीं तो, और ये सब विज्ञान भी आगे बढ़ा इसी बात को कहने के लिए,
अरे बोले कुछ मालूम नहीं कब का पता कौन सी बात आ जाए और यो के यो चुपचाप रहना पड़ जाए। संयोग केवली और जैसे इस गुण स्थान को प्राप्त होते हैं तो संयोग यानी अरिहंत भगवान बन जाते हैं। मंदराज हो गए छठवें सातवें आठवें नौवें दसवें ग्यारहवें और बारहवें गुण स्थान तक मंदराज हैं। मंदराज तो ये भी हैं लेकिन अब इनको कौन सी उपमा दे दी अरिहंत के दे दी अयोग केवली। यद्यपि ये न तस्याम श्रुत पूजाम कुर्वते जैना जैन लोग श्रुत की पूजा करते क्या लिखा है जेठ शुक्ल पंचमी के दिन चतुर्वंशम के दिन उस पुस्तक को उपकरण के रूप में स्वीकार किया गया और उसकी पूजा की गई है। पहले पिच्छी और कमंडल था क्या था उपकरण पिच्छी और कमंडल तीसरे नंबर पे कौन सा उपकरण आ गया इसलिए शास्त्र भी भेंट करने की खोली छूट है नहीं तो ये भी परिग्रह है ये भी क्या है परिग्रह है। पर ख्याल करना 25-50 साल के बाद अभी तो लोग गाली बकेंगे क्योंकि जब ये पहली बार छपा था तो सबने गाली बकी थी ये अशुद्ध हो जाएगा फलाना डिगाना और यानी मुनिराज शांति सागर तो उठा रहे थे लेकिन कुछ साधु ने छुआ भी नहीं और ऐसे दूसरी जगह रखते थे दूसरा पढ़ता था बोले दिखा दे मैं नहीं छुऊंगा अशुद्ध हो जाऊंगा कागज अशुद्ध बनता है बिना छना पानी है सरयस है फलाना है और बाद में वही सारे के सारे स्वीकारने लगे। हर चीज जब प्रारंभ करते हैं श्रेष्ठता की तो कहीं ना कहीं परेशानियां लेकिन जब समझ बढ़ती है सत्य का ज्ञान होता है तब ताड़पत्र को कोई नहीं छूता बोले वो तो और नाजुक है जीव है इसलिए शास्त्र को बचाओ छूने से डरती है गीला होने से बचाओ चावल लग जाए तो साफ करो सूरत पंचमी आती है तो जिनवाणी मंदिर की सफाई करो अस्ते वेस्टन लाओ गलने फटने मत दो जिनवाणी के बिना ही ज्ञान की वृद्धि कराती है तो फिर बाद में छूने लगे। और कौन कौन थे उस समय शांति सागर के समय वो तक आया उल्लेख वो तक उल्लेख है आप सोचोगे तो कहाँ से बात आती है पता नहीं किताब मेरे को कैसे मिल जाती है पता नहीं मेरे को कैसे मिली और सब चीजें दिमाग में रख लिया नहीं कोई भी प्रश्न तो छेड़े और हकीकत लेकिन बस जैसे ही मंगलम पुष्पदंत आदि बोल करके बात उठाना प्रारंभ कर दिया सखंड आगम को लेकर के तो गुरु महाराज है तो लोग ऐसे बोलेंगे बोले हम तो नहीं बोलेंगे कैसे नहीं बोलेंगे जैसे हिंदू मुस्लिम में चलता ना बोल बंदे मातरम बोले नहीं बोलूंगा बोले क्या नहीं बोलोगे वंदे मातरम नहीं बोलूंगा क्या नहीं बोलूंगा वंदे मातरम बस ऐसे ही चले गए और जान रहे सब और मुझे सलाह देने आते हैं और अच्छे से आते बोले महाराज आपको आगे का लेना है तो भद्रबाहु आचार्य को लीजिए गोधर को लीजिए दर्शन को लीजिए इसको क्यों लेते हैं मैंने कहा आप लीजिए ना एक बार इतना तो सिद्ध हो गया है कि आपको नाम लेने में कोई अंतर नहीं आ रहा है किसमें अंतर आ रहा है आपको केवल पुष्पदंत में वो पसीना आता है लोगों को लेने में। जब कई लोग ऐसे भगत हैं शादी ब्याह होते हैं तो कार्ड में छपा देते ना मंगलम पुष्पदंत है तो उसको बोलते अरे यार तूने ये क्यों छपाया मैंने कहा उसको पुराना कार्ड भी दिखा देना तूने छपाया था स्थूल भद्रा दिया तब किसी ने पूछा था वेतांबर का छपा लिया उसको पसीने दिक्कत आ रही है पूरे भक्तांबर तुम सुनते हो अनुराधा का स्थूल भद्रा दिया आता है कि नहीं आता और सारे सुनते हो कोई नहीं भक्ता लेकिन बस ईर्ष्या बुद्धि कौन सी बुद्धि ईर्ष्या बुद्धि है केवल और ईर्ष्या बुद्धि इस प्रकार का काम करा रही है और मैं कह रहा ईर्ष्या में नहीं ईश्वर में जियो पता लग जाएगा क्योंकि ये गुरु प्रदत्त गुणवाची नाम है और शास्त्र के अनुसार नमोकार ग्रंथ मंत्र संत सारी चीजें उस समय है इसमें कहीं कोई भेद नहीं है इसलिए वो विद्वान लोग सब जानने लगे लेकिन बोले अरे क्या है जो चल रहा है सो ये बोलते अभी तो पसीना आएगा पसीना नहीं आता क्या यही बोलता है तो पसीना आ जाता है इसको भी अरे यार नहीं यार टोकेंगे पंडित जी कई बार बोलते ना कहीं इधर उधर विधान कराते कई लोग उनको टोकते भैया गलत क्या बोले तुम शास्त्र से अगर मानना तो ये ले सब चीजें उनको पंडित जी को बता दिया पंडित जी बता देते हाँ अगर कोई अंतर हो तो बता दो हम नाम में अगर तुम्हारे पिताजी का नाम महावीर हो जाए तो तुम महावीर स्वामी के जय नहीं बोलोगे नहीं बोले हम तो अपने पति आ गया तो बोलोगे अरे किसी महिला का पति का नाम हो गया महावीर जैन तो थोड़ी ना बोलोगे मैं महावीर नाम नहीं बोलूंगे तो बोलेगे पप्पू के पापा की अब जब ऐसा बोलेगी तो समझ जाएगा मामला अरे भाई महावीर नाम अलग हो गया अब उसके पति का नाम है तो वो भी है उसका अपना सम्मान है गुरु महाराज तो हमारे हैं श्रेष्ठ लेकिन मेरे गुरु महाराज इतने यशस्वी हैं कि सब लोगों के मन में पुष्पदंत सागर नाम छुपा हुआ है और जैसे पुष्पदंत आदि बोलते हो तो उनका दिमाग वहीं तक जाता है उसके आगे की बुद्धि नहीं है और जिस दिन उसके आगे की बुद्धि आ जाएगी सब हो जाएगा। पुष्पदंत नाम के तो बहुत सारे आचार्य महापुराण के लेखक भी हुए ज्योतिष का एक ग्रह का भी नाम है
अरे और तो छोड़ो, रक्षाबंधन का पर्व भी अगर सुरक्षा के लिए चला है तो अगर आप नाम का हिस्सा लोगे तो पुष्पदन छुल्लक ही गया था। कौन गया था? पुष्पदन छुल्लक ही गया था। अगर कदाचित मैं पुष्पदन भगवान का मंदिर बनवाने लग जाऊं तो लोग और मन पे चढ़ बैठेंगे, क्या और भगवान नहीं मिले क्या, और भगवान नहीं मिले क्या? आप सोचो तो, यानी मन को आप देखो, मैं उसको विश्वास से नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो हकीकत में यहाँ भी सब जगह बताता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, बोलता हूँ, लेकिन उसको स्वीकारने में थोड़ा सा लगता है। कई लोग ऐसे करते हैं तो जब कार्ड छपाते हैं, मकान का दुकान का उद्घाटन होता है, शादी ब्याह होता है, तो वही करते हैं, वो करते हैं, बोले क्या दिक्कत है, तुम्हारा अपना है, तुम्हारा अपना, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको नकार नहीं सकते। और अगर तुम्हें लगता है तो भद्रबाहु का नाम बोलो, मैं कह रहा हूँ पत्रिका में छपाओ, साल भर तक पता लग जाएगा। तो आचार्य के नाम से बड़े छोटे का तो सबको मालूम पड़ गया है कि हकीकत क्या है, लेकिन अभी वो धारणा क्या है। अरे छोड़ो, इसकी तो प्रतिमा तक बनी, बताते हैं बाहुबली भगवान के सामने कदम हल्ली गांव है, वहां पर देवी जो सिद्ध हुई थी, कहानी प्रतिमा और खुली प्रतिमा के स्टेचू भी बने हुए हैं, सिद्धि के पूरे इतिहास को तो मिटा दिया गया है, बहुत सारी चीजें मिटी है, इसके 6 आचार्यों के ग्रंथ मिट गए हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। मतलब जिस आचार्य की टीका 3,00,000 श्लोक, यानी पूरे ग्रंथों पे, एक ग्रंथ पे नहीं, पूरे ग्रंथों पे, इसके 16 भाग विस्तार भूतबली ने किया, ये और 177 सूत्र हैं केवल इतने में, कितने में, छोटे से सूत्र हैं सब ग्रंथों में। इसलिए जैसे सब ग्रंथों में एक एक आ जाता है, हिंदुओं में अलग है, इस मुस्लिम में अलग है, ईसाइयों में अलग है, सिखों में अलग है, तो वैसे ही जैनियों का मूल स्रोत सखंड आगम है और उस लेख का प्रारंभ आचार्य पुष्पदन ने किया। इसलिए मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, आपके दिमाग में आता है, सारी बात याद दिलाता रहता हूँ, मंगलम भगवान वीरो दीपावली पर्व, मंगलम गौतम बणि गुरु पूर्णिमा पर्व, मंगलम पुष्पदंताद्यो श्रुत पंचमी पर्व है, और जैन धर्मोस्तो मंगलम, उसी से हमारी पंचम काल की जैन धर्म की परंपरा चली है, उसके बाद में तो फिर सारे के सारे वाणियाँ चलती चली आई है, सारे के सारे वर्णन शास्त्रों में लिखे हुए हैं। इसलिए अपने जीवन में सोचो, ग्रंथों को पुनः ऊपर उठा करके रखना है और आगे चलते हुए आगे बढ़ना है। ये तो शास्त्र संसार का चला, विवेकानंद की घटना आ जाती है, विवेकानंद विदेश गए थे, और विवेकानंद जब विदेश गए तो वहाँ पर क्या हुआ, ये यहाँ के ग्रंथ को लेकर के गए थे, वो तो गीता पढ़ाते थे, योग विज्ञान, उनके किताबों को नीचे रख दिया, बाकी किताबों को ऊपर रखते चले गए। जब विवेकानंद का नंबर आया, बोले देखो आपको तो यहाँ पर बुला लिया है, लेकिन आपका ही अपमान कर रहे हैं। बोले क्या हो गया अपमान? बोले देखिए, सब लोगों ने अपने अपने किताबों को तो ऊपर रख दिया है, और तुम्हारे गीता को, जबकि तुमको इसका ही उपदेश देना है, और इसको बिल्कुल नीचे रख दिया है। विवेकानंद ने बहुत अच्छी बात की, ये तो इन लोगों ने सिद्ध कर दिया है कि सारे ग्रंथों का वेश हमारा यही है। बुद्धि, विवेकानंद को बुद्धिमान माना जाता है, एक क्षण में बांटते तो ऐसी बुद्धि आती तो उसी प्रकार नीचे डाल दे, लेकिन वेश तो यही है। इसके बिना अगर कोई कुछ भी लिखेगा तो जैन आगम में मान नहीं हो पाता, ये विशेषता है। इसीलिए जितने आचार्यों की कई टीका है, तो मैं इस बात को इस दिन जरूर बताता रहता हूँ, बताते हुए अर्घ भी चढ़ाता रहता हूँ। इसलिए लोक बिंदु में लोक भ्रमण के नाशन का संदेश दिया, यानी गति और मार्गणा और गुण स्थान, मार्गणा संसार है, गुण स्थान निकलने का है। ध्यान साधना सिद्ध अवस्था के सुख का उपदेश दिया, ध्यान करो साधना करो सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने के लिए। कितना प्रमाण? 12 कोटि अर्धशतक पद उज्ज्वल मुक्ति दाई है, अर्घ चढ़ाकर करो वंदना निराकार तन स्थाई। इसलिए ये 12 करोड़ प्रमाण है, इस प्रकार को नहीं 11 बजा, लेकिन बहुत अच्छा पश्चिम बिहार में भी आया, पहले आया पश्चिमी दिल्ली के प्रभावना परिक्रमा के लिए, समझ लीजिए जब पश्चिम बिहार के सारे लोग, प्रधान जी हुए, डोंगरमल जी हुए, अमित हुआ, कमल हुआ, सुधीर हुआ, ये क्या नाम है, निर्मल हुए, कितने सारे नाम है, और सारे लड़के लगे हुए हैं, सारे के सारे कितने बार मेरे पास है, मारा चलो ग्रीन पार्क में क्लीन झंडी दिखा दी थी, पश्चिम दिल्ली की तरफ आया, और उसके उपरांत करीब 40-45 दिन तक पश्चिमी दिल्ली में भ्रमण किया। सब जगह मंदिर सब अच्छे बने हुए हैं, समाज के लोग हैं, भले दूर दूर हैं, कम हैं, लेकिन सारी जगह समाज घूमता फिरता परिक्रमा देकर के सब जगह देख के आया। करमपुरा में भी बहुत दिन तक रुका, और जैसे ही मलमास खत्म हुआ,
फिर आना हुआ स्मृत पंचमी के लिए पश्चिम बिहार के लोग आए तो मैंने कहा जब प्रभावना परिक्रमा की शुरुआत करी है तो चलो पहले कार्यक्रम की शुरुआत भी पश्चिम बिहार में करता हूँ। और स्मृत पंचमी का अवसर प्राप्त हुआ और समाज के जितने भी लोग हैं भले ही यहाँ पर आते हैं सवेरे से लेकर के शाम तक पुरुष वर्ग जितने भी कमेटी के लोग हैं छोटे छोटे बच्चे भी तैयार हो गए हैं 8-10 महिला समिति भी पूरी है और इस कार्य को 2 दिन से लगातार 11-12 बजे तक सब विकल्पों को छोड़ करके और शाम को भी भक्ति पूजा पाठ आराधना के साथ संलग्न है क्योंकि पहला मेरा परिचय है इस क्षेत्र का। जमुना पार और रोहिणी तो घुमाओ चल रहा है और अभी इधर भ्रमणशील होता चला जा रहा है। संपूर्ण जैन समाज को संपूर्ण महिला समिति को बहुत बहुत मंगलमय आशीर्वाद है। सारे पात्रों को भी बहुत बहुत मंगलमय आशीर्वाद है कि आपका उत्साह जब लोगों को देखता है कि सवेरे से विधान में बैठे हुए जबकि आज के दिन सभी जगह कार्यक्रम है और स्मृत पंचमी को सभी जगह कार्यक्रम होते ही होते हैं। वो तो चातुर्मास का जब निर्णय करने का होता है ना तब लोग चातुर्मास के लिए आ जाते हैं। आज ओरिजिनल शुद्ध स्मृत पंचमी के लिए आए हैं लोग किसी प्रलोभन से नहीं आए हैं इसलिए आए हैं जो भी आए हैं शुद्ध स्मृत पंचमी के लिए। चातुर्मास का तो अभी कोई मुझे विकल्प नहीं है अभी तो 40 दिन और है मेरे पास किसका विकल्प नहीं है मेरे पास मेरे को कोई विकल्प नहीं रहता क्योंकि मुझे मालूम है सब जगह मिल ही जाना है सब कुछ। समाज में सारे लोगों के उत्साह रहता ही रहता है और सब जगह देख ही चुका हूँ आनंद रहता है। बस स्टावकों का एक समर्पण आना जाना चलता रहता है और इस प्रकार का एक संबंध बनता जाता है सभी चीज़ें देख ली जाती है क्योंकि चातुर्मास एक ऐसा समय है जिसमें निरंतर लोगों का आना जाना चलता रहता है लगातार क्रम भी चलता रहता है तो ये सारी चीज़ें चलती रहती है वो सब लोगों को मालूम है मुझे कोई इस प्रकार की दिक्कत होती नहीं है। 7 दिन में ही सब कुछ हो जाता है श्रावक मुझे समझ जाता है मैं श्रावक को समझ जाता हूँ दोनों एक दूसरे को आराम से समझ जाते हैं और मुझे समझने में कोई दिक्कत होती भी नहीं है और मुझे समझने में आपको भी कोई दिक्कत होती नहीं है बिल्कुल आनंद से रहता हूँ कोई मतलब नहीं बाहर का टेंशन दूर रखता हूँ उनको तो बोल ही देता हूँ कृपया उचित दूरी बनाए रखे हैं कोई टेंशन नहीं रखता क्लीन है वेलकम अन्यथा भीड़ कम और बैठ जाओ तो लगाऊंगा धर्म का टेल कम और कुछ थोड़ी ना बात इधर उधर की तो मैं इतनी सारी बना दूं लेकिन क्या मतलब एक एक चीज में बना दूं बकवास करने वाले को तो यही में बता दूं। कभी एक प्रश्न मेरे पास आया किसी ने बोला होगा बोले जो लाइट में खाना बनाते हैं उनको रात्रि भोजन खाने का दोष लगता है। मैंने बोला फिर बोल देना भाई लाइट में अगर प्रवचन करते तो ना रात्रि बोलने का दोष है काफी तो तुम भी हो गए हो बकवास क्यों कर रहे हो। अगर तुम्हें तर्क चाहिए तो तर्क से क्या बात करते हो क्योंकि मैं हूँ ना आप लोग घरों में जाता हूँ खत्म करने वाला हूँ 9-2-11 दोनों चीजें चल रही हर शाम से चलता है मेरा। इसके उपरांत तो आनंद के साथ बजने वाले लीजिए अर्घ और आनंद के साथ आइए चढ़ाइए आनंद के साथ फिर इसके उपरांत केवल अनियोग के अर्घ चढ़ेंगे किसके अर्घ चढ़ेंगे अनियोग के अर्घ चढ़ेंगे। ओम ह्रीं द्वादश कोटि पंचाशत लक्ष सत्रमित चतुर्दश लोक बिंदु सार पूर्व स्मृत ज्ञानाय नमः। अरे भाई नित्य भजो अर्घ चढ़ा कर पद अनर्घ को पानी इंद्रिय भोग तजो श्रवण योग द्वादशांकृत शताधिक शत कोटि त्रयशीति लक्ष अष्ट पंचाशत सहस्त्र पंच पद प्रमित श्रुत ज्ञान नमः अर्घम निर्वपामिति अच्छा बोल नहीं पाएंगे आपको तैयार नहीं यदर्थ मात्रा पद वाक्यहीनम आया मैंने ये भावना के साथ माता जी वाणी के चरणों में जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालो सो वाणी मस्तक नो सदा भेंट हो दो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ ले पहले ध्वनि प्राप्त सर्वद्रव्य भाव शुद्ध ज्ञानेभ्य अक्षर में साकार जिनवाणी ग्रंथेभ्यो नमः हरिघम निर्वपामिति जलद्वादशांक जन्म में दुख मिलत
तो मरने दुखी पीत तो जन्म में दुखी पीत जय जिन बाणी माँ गुण गाऊ जय जिन बाणी माँ गुण कर महादेव ने दिव्य ज्ञान प्राप्त विष्टम समर्पयामि स्वाहा तरने की बात किसी में चंते इसमें लेश नहीं से भी परे आनंद वाशा है रहित ज्ञान प्रदनाय तो संग में दिप धरे नमा हरि हम दरबा में दे हां देखे अब से जिन बाणी झूले पल्लना मां जिन बाणी झूले पल्लना 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 लाइन चल रही है तो हमारी जो पुजारी भैया है हमारे जो ये खड़े हुए हैं इनको भी बधाई का हक बनता है तो उनका भी ध्यान रखें और संगीतकार का भी ध्यान रखें। हाँ खड़े हो जाइए भैया। मैं खेल हो गई थी सोने के बल दे सभी को पल्ला झुलाना है जो बाहर से आए मैं भी आएंगे। हाँ गुड्डू भैया आ जाओ। हाँ वरदान दिया आज्ञाकारी संतानारी संसन्यासी मुनि महान सत्य दिवस में मंत्र सिद्ध करी विपस्त नमकार लिखा छठनागम कंठ प्रकट कर दी उत्तम चमान देशों संदर्भ में उन्हें समिति शंभिक्यां समिचर इति रत्न धर्म में बनवा जिल के बना विदेशी विद्वान विस्तीर्ण बना पांच भर पांच अरब दस्ते पर मेरी पप्पू राजे चमकारी महावीर प्रेम पितृजी जी तिजारा आदि तुसे चित्रमय शिचांग देश सुप्रभु शिवनमा ओम ब्रीम सर पुष्प पद ब्रह्मा जला विफरा दिमारी गम दर्ब पामिति चरणों में तवलो लीन रहो प्रभु जब लो न पाया मोक्ष पद में ने सभी बोले हे जिनेंद्र देव अक्षर पद मात्रा से दूषित जो कुछ भी कहा गया मुझसे क्षमा करो प्रभु क्षमा करो प्रभु क्षमा करो प्रभु सो सब करुणा करी अपनी क्षणा बहुत दुख से हे जब बंधु जी ने सर पाऊं तब चरण शरण बलिहारी मरण समाधि सुदुर्लभ कर्मों का छह शुभोध सुखकारी यदि शांति भक्ति समाधि भक्ति भरत्व काय तो समय पर क्षमापण भवतो यह 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 मंडप विसर्जन के लिए आ जाइए समस्त देवगणा स्वेच्छा गच्छन्तु अपराध क्षमापण भवतु यह 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 सिद्धेभ्य नमः ओम रूम सुरुभ्य नमः ओम रीम जिनागमाय नमः ओम रीम जिन चेत्ते नमः ओम नाय नमः ओम समेच्छत्राय नमः शंभवतो शमादिवर्णं भवतो 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 कुरुकुरु ओम ब्रीम परमेश्वर सर्वज्ञ शांतिं 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 ओम ब्रीम नमो तेरक्ष रक्ष होम फट 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 ओम ब्रीम नमो तेरक्ष रक्ष ओम निमन सपण महावीजेंद्र सर्व सुख सौभाग्यम करो करो ओम निमन सपण महावीजेंद्र सर्व सुख सौभाग्यम करो करो ओम निमन आज ये जी महिलाएं आज को तो मिलने आप तो चलो माता तू दया करेगी संगीतकार भाई कुमार पुजारी अरे चल्ला चल्ला रे मारो मने टोले चल्ला चल्ला रे प्रभु का नते होले होले मे मारो मने टोले मारो मने टोले
अनुष्ठान स्थल पर ले गए थे। अनुष्ठान के आनंद और सम्मान होने पर भक्ति भाव के साथ हमने जी को वेदिका में स्थापित किया है। यदि मेरे से जाने में अनुमोदना से